हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे गुरु महाराज के वक्री होने पे क्या फल मिलेगा संसार को, क्या फल मिलेगा आपको। ब्रह्मांड के दो बड़े प्लैनेट्स वक्री अवस्था में, शनि महाराज ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं और गुरु महाराज वक्री होने वाले हैं, तो 29 जुलाई से लेके लगभग 24 नवंबर तक गुरु महाराज वक्री होंगे, अपनी ही राशि में वक्री होंगे, अपनी मीन राशि में वक्री होंगे और शनि के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। क्या फल देंगे आपको, क्या शुभ देंगे, क्या अशुभ देंगे, क्या सकारात्मक होगा, क्या नकारात्मक होगा। पहले से जान लीजिए कि जो वक्री होना है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सी घटना है, लेकिन शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा कही है वक्री ग्रह की। शुभ ग्रह वक्री हो तो 3 गुना फल देता है, शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो उच्च जैसा फल देता है। अब आपके कुंडली में अगर गुरु शुभ भावों के स्वामी है तो यह जो गुरु का वक्रत्व है आपके जीवन में एक नई रेखा खींच कर जाएगा, एक नई दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि शनि स्वग्रही है, गुरु स्वग्रही, दोनों स्वग्रही और दोनों वक्री, ऐसे संयोग आपके जीवन में शायद एक ही बार बने, जीवन में शायद एक ही बार बने। तो वक्री होने का मतलब स्लो चलना, धीरे धीरे चलना। कभी कभी आंखों का भ्रम भी होता है, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो तो लगता है गांव घूम रहे हैं, लेकिन गांव और पेड़ नहीं घूमते, वो आपको दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में ग्रह दिखते हैं, दरअसल कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, वो दिखता जरूर है, तो स्लो हो जाता है, धीरे चलने की वजह से वो स्लो दिखता है। तो अभी गुरु आपके स्लोली स्लोली चल रहे हैं, इसलिए यहाँ से दिखाई दिखेगा कि आपको पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब ऐसे गुरु जो स्लो हो गए हैं, जो वक्री हो गए हैं, वो आपकी कुंडली में क्या प्रभाव देंगे। शास्त्रकार कहते हैं शुभ ग्रह वक्री हो तो बहुत शुभ फल देता है, वहीं पर अशुभ ग्रह वक्री हो तो तोड़ देता है, परेशान कर देता है। आप ऐसे ही समझ लें कि आप जो है रोड से जा रहे हैं और अचानक आपका मोबाइल गिरता है, लेकिन आप स्लो गति से हैं तो मोबाइल गिरते हुए आप देख लेंगे और अपनी बाइक अपनी रोकेंगे, साइकिल रोकेंगे और मोबाइल को उठाएंगे, चल देंगे। ये शुभ ग्रह का वक्रत्व है। आप आसपास के सारे माहौल को देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन वहीं जब आप द्रुत गति से जाएंगे तो आपका पर्स गिर जाएगा, आपको मोबाइल गिर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। या आप स्लोली गति से जा रहे हैं, मोबाइल गिर गया, थोड़ा देर बाद अंदेशा हुआ मोबाइल गिर गया, तो पीछे लौट के देखेंगे मोबाइल मिल जाएगा। तो ये शुभ ग्रह का वक्री होने से फल यही मिलता है। अशुभ ग्रह का वक्री होने से क्या होता है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं धीरे धीरे और अचानक किसी से टक्कर हो गई, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पिट के चले आए, फिर आपको याद आया कि मेरा पर्स वहीं गुम हो गया, मेरा मोबाइल वहीं गुम हो गया, फिर आपको लौट के गए और अगला आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठा है, फिर आपको प्रसाद दिया, फिर वो प्रसाद देगा। तो दुष्ट ग्रहों का माने जो पाप प्रभाव में जो ग्रह हैं उनका वक्रत्व तो आपको नुकसान देने वाला है, लेकिन शुभ ग्रहों का वक्रत्व तो आपको लाभ देने वाला है। तो गुरु आपकी कुंडली के अनुसार आप देख लीजिए कि किन भावों के स्वामी हैं। वैसे भी गुरु आपकी कुंडली में जो कारकत्व को लेकर चलते हैं वो इतने ज़्यादा कारक हैं गुरु के पास कि वो शुभत्व तो ही प्रदान करेंगे, ठीक। तो चर्चा करेंगे मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। ध्यान दीजिएगा कि गुरु धनु राशि और मीन राशि का फल निश्चित रूप से देंगे, साथ में गुरु महाराज आपके कुंडली में पुनर्वसु का फल देंगे और विशाखा का फल देंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का फल देंगे। तो दो ग्रह, दो भाव, 3 नक्षत्र, 3 दृष्टि, ठीक, इतनी जगह गुरु फल देंगे। तो गुरु महाराज मेष लगन में अगर आपके वक्री हो रहे हैं, कहाँ पे, द्वादश भाव में, खर्च के घर में, तो क्या फल देंगे आपको, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष लगन मेष राशि में गुरु महाराज द्वादश में वक्री हो रहे हैं, मतलब जो आपके खर्च हो रहे हैं, जो खर्चे बढ़ रहे हैं, उन खर्चों पे लगेगा अंकुश। गुरु एक बार उसका निरीक्षण करेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, बेवजह खर्च आपका हो रहा है, तो उन खर्चों को रोकेगा। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं,
तो भाग्य में त्रुटि कहाँ रह गई, भाग्योदय में त्रुटि रह गई क्या? तो अगर आप भाग्योदय के करीब थे, भाग्योदय नहीं हुआ, इस बीच आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि यहाँ पे गुरु आपको पुनः लौट के भाग्योदय दे देंगे। मतलब कोई वैकेंसियाँ जो फंसी हुई थी, कोर्ट में चली गई थी, उसमें आपको लाभ होगा। या आपने एग्जाम दे रखा है, वैकेंसी आउट हो चुकी है, नाम आपका नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट निकलेगी, थर्ड लिस्ट निकलेगी, उस सेकंड और थर्ड लिस्ट में आपका नाम होगा। ध्यान ये दीजिएगा, अब ये सभी मेष लगन मेष राशि वालों के लिए नहीं होगा, अब उन्हीं के लिए होगा जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। यहाँ ये सब शुभ भावों के स्वामी है, पंचमेश है, नौमेश है, दसमेश है, कर्मेश है, अतः यहाँ पे आपको 100% लाभ देकर जाएंगे। अब जिनकी कुंडली में नहीं होता भैया, वो अपना चेक कर लीजिए गुरु किस कंडीशन में है, कहीं बुध की दशा तो नहीं चल रही है, बुध की दशा चल रही है तो आपको परेशानी देगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुरु आपको भाग्य से जोड़ेंगे, गुरु आपको धर्म से जोड़ेंगे, पिछले यात्राएं जो आपकी कैंसिल थी धार्मिक उन यात्राओं को कराएंगे, भाग्योदय कराएंगे, नौकरी में आपको प्रगति प्रदान करेंगे, विदेश यात्रा आप करना चाहते थे, विदेश की यात्राएं आपकी छूट गई हैं, तो विदेश यात्रा तक का सफर गुरु कराएंगे। क्योंकि शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, शनि के नक्षत्र में वक्री हुए हैं, और ये शनि के नक्षत्र में ही वक्री रहेंगे, नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो आपके कुंडली में लाभ के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, तो कर्म में जहाँ त्रुटि हो रही थी, काम को ठीक ठाक कराएंगे। नौकरी से आप निकाल दिए गए थे, नौकरी से टर्मिनेट हो गए थे, तो आपको पुनः नौकरी प्रदान कर रहे हैं। आप एडहाक पे थे, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुरु महाराज हर तरह से लाभ दे के जा रहे हैं, गुरु आपके भाग्येश हैं, अतः उनकी गुरुता को धारण करने के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, येलो कलर का चंदन लगा के रखिए, बेहतर होगा। ऐसे गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है उच्च की, भूमि भवन वाहन पे है, तो घर संबंधी कार्य भी आप करते हुए नजर आएंगे। कुछ कार्य जो घर के छूट गए थे, हो नहीं पा रहे थे, गाड़ी घोड़ा लेना चाह रहे थे नहीं ले पा रहे थे, वो आप यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे। सप्तम दृष्टि शत्रु भाव पे है, तो शत्रुओं से या ऋण रोग मुकदमा जो बचे हुए हैं, आप वकील को टाइम नहीं दे पा रहे थे, कोर्ट में टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस समय उसको आप निपटा देंगे, ऋण वापस कर देंगे। नवम दृष्टि आयु भाव पे है, तो आयु संबंधित चीजों को मतलब योग में आप ध्यान देंगे, प्राणायाम में ध्यान देंगे। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में गुरुदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, तो एकादश भाव में वक्री होने का मतलब लाभ की चीजों को पुनः प्राप्त करना, जो आपके लाभ के स्थान छूट गए थे, उन लाभ के स्थान पर गुरु ले जाकर खड़ा कर देगा, बोलेगा बेटा लो उठा लो, तो लाभ होने की पूरी संभावनाएं आपकी कुंडली में बनी हुई है। अब गुरु महाराज यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है, अतः कर्म में प्रवीणता देंगे और भाग्य उन्नत कराएंगे, भाग्योदय कराने के भी गुरु महाराज कारक बन रहे हैं। अब ऐसे गुरु को आपको बल नहीं देना है, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं, एकादशेश भी हैं, अतः आप गुरु की गुरुता धारण करने के लिए गुरु का मंत्र का जाप करिए, केसर का तिलक मस्तक पे, कंठ में, नाभ में तीन जगह लगाइए, थोड़ा हल्दी डाल, पानी में हल्दी मिला के स्नान करना भी आपके लिए हितकारी कल्याणकारी होगा। ऐसे जो गुरु महाराज के पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से, ध्यान दीजिएगा, पराक्रम से ही भाग्योदय होगा। नहीं सुप्त सिंहस प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करता, उसको पराक्रम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए पराक्रम करिए। सप्तम दृष्टि संतान भाव पे होने से संतान संबंधित चीजें आपको मिल रही, मतलब संतान दूर चली गई, संतान आपके पास आ रही है, एजुकेशन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो एजुकेशन को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, प्रेमी प्रेमिका आपसे पिछड़ गए थे तो आपको मिल रहे हैं, पुनः वापस आके मिल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो जीवन साथी के साथ रहने का योग बन रहा है और व्यापार इत्यादि कार्यों में भी आपको आशानुकूल सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में गुरु सप्तमेश हैं और कर्मेश हैं, तो कर्म का स्वामी कर्म भाव में वक्री हो रहा है, इसका मतलब आपके जो छूटे हुए काम थे उनको आपको बुद्धिमत्ता ढंग से पूर्ण कर रहे हैं। अब यहाँ पे शनि आपके अष्टमेश हैं और नवमेश भी हैं, और नक्षत्र किसका है, शनि का नक्षत्र है। अब शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं उत्तर भाद्रपद, ठीक है ना, तो मतलब आप अच्छा काम करो और आपको ये श्रेष्ठ बनाने की ओर आगे करेंगे, श्रेष्ठता की ओर आगे ले चलेंगे। हाँ, श्रेष्ठता की ओर ये शनि महाराज आगे ले चलने की बात आपकी कुंडली में कर रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ कर्म करते जाइए और श्रेष्ठता आपको प्राप्त होती जाएगी। अब ऐसे जो गुरु महाराज हैं आपकी कुंडली में, वो स्वामी हैं सप्तम भाव के, सप्तम भाव मतलब जीवन साथी, सप्तम भाव मतलब व्यापार,
तो व्यापार में पुनः प्रगति या कोई नया धंधा आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराना धंधा ही जो बंद हो गया था वो धंधा आपका स्टार्ट होगा। पुरानी नौकरी अगर आपकी छूट गई थी तो पुनः नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। पिता से संबंध खराब हो गए थे तो पिता के संबंधों को ये गुरु का वक्र होना, गुरु का वक्री होना संबंधों को बेहतर कर रहा है। उपाय अच्छा, पंचम दृष्टि धन भाव पे है तो धन भाव पे होने से वाणी आपकी अच्छी रहेगी, वाणी के माध्यम से पैसा कमाएंगे। सप्तम दृष्टि सुख पे होने से भूमि भवन वाहन संबंधित कार्य करेंगे, घर अधूरा रह गया, गाड़ी नहीं ले पा रहे तो गाड़ी ले लेंगे। नवम दृष्टि शत्रु भाव पे होने से शत्रुओं को ज्ञान से समझा देंगे, बेटा झगड़ा मत करो, झगड़े में नुकसान होगा। अब उपाय के तौर पे आपको गुरु की गुरुता धारण करें। आप देखें अगर कुंडली में सही दशा चल रही है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, सही दशा नहीं चल रही तो पुखराज धारण मत करिए। गुरु का मंत्रों का जाप करिए, केला लगाइए, केले की पूजा उपासना करिए, भगवान विष्णु के मंदिर में जाके एक पीला ध्वजा चढ़ा के आइए, आपके लिए कल्याणप्रद होगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में गुरु महाराज नवम भाव के स्वामी है और नवम भाव का फल आपको देने के लिए जाने जाएंगे, मतलब धर्म का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म से जुड़ेंगे, कर्म कांड से जुड़ेंगे, कुछ पूजा पाठ आपकी जो शेष थी वो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, कोई धार्मिक यात्राएं जो आपकी अधूरी रह गई थी, आपने प्लान किया था लेकिन धार्मिक यात्राएं पूरी नहीं हो पा रही थी, अतः गुरु वक्री होकर उन धार्मिक यात्राओं को आपसे करवाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, धार्मिक यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। जीवन साथी का सानिध्य में मिलेगा, जीवन साथी को साथ में लेकर जा रहे हैं, पिछली यात्रा हो सकता है आपने अकेले की हो तो गुरु बोलता है नहीं, जीवन संगनी को साथ में लेके चलो भाई, तो जीवन साथी को साथ में लेके आप जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंचम दृष्टि लग्न पे होने से आपका व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से तगड़ा होगा, ज्ञानमय होगा। गुरु की सबसे प्रेममय दृष्टि जो है वो पंचम दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि है, बहुत प्रेम देते हैं, तो आपको प्रेम होगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पे होने से बंधु बांधव मित्रगण आपका पूरा सहयोग करेंगे। नवम दृष्टि संतान पे भाव पे होने से, एजुकेशन पे होने से, अगर एजुकेशन छूट गई तो एजुकेशन आपकी पुनः कनेक्ट होगी। संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, गर्भाधान संस्कार में आप जा सकते हैं। श्रेष्ठ समय है, गुरु और शनि दोनों इस समय अपने अपने घर में है, इससे श्रेष्ठ समय नहीं मिलेगा। अगर आप इस समय संतान पैदा करते हैं तो संतान आपकी श्रेष्ठ होगी। रीजन, गुरु अपने ही घर में, शनि अपने घर में, तो आपके लिए दो राजयोग बन जाएंगे। तो कोशिश करें, देखिए भारत में सर्वाधिक श्रेष्ठ लोग क्यों पैदा हुए, श्रेष्ठ लोग पैदा नहीं हुए, श्रेष्ठ लोगों को पैदा किया गया। पहले हमारे यहाँ मुहूर्त देख के संतान के लिए संसर्ग किया जाता था, तो वो श्रेष्ठता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता था, तो ये अवसर है आप इसका उपयोग करें। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो गुरु हैं अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, साथ में पंचम भाव का भी कारकत्व उनके पास है। अब ऐसे गुरु अष्टम भाव में ही वक्री हुए हैं, मतलब गूढ़ तत्वों के प्रति आपकी चेतना जागृत होगी, उम्र आपकी जो घट रही है, रोग जो आ रहे हैं उन रोगों को दूर करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है, अतः जीवन साथी से भी आपका संबंध बेहतर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, शत्रुओं का आप दमन करेंगे। पंचम दृष्टि ऐसे गुरु की आपके कुंडली में व्यय भाव पर होने से आप खर्चबाज हो जाएंगे, खर्च अधिक करने पड़ेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, कुटुंब का प्रेम, कुटुंब का स्नेह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। नवम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से सुख की प्राप्ति होगी। कन्या लग्न कन्या राशि, कन्या लग्न कन्या राशि में जो गुरु का गोचर है, ये देखिए अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तो योग प्रद हैं, किंतु वक्री हो गए हैं। अवक्री होने से मतलब अगर आप वैवाहिक जीवन में आपका तनाव आ रहा था तो वैवाहिक जीवन के तनाव आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। विवाह में अगर विलंब हो रहा था तो विवाह में सफलता आपको मिलेगी। कुछ रिश्ते जो आपके लिए आए थे बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, वो रिश्ते फिर से आपसे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रयास करें, गुरु की गुरुता धारण करें, भूमि भवन वाहन संबंधी विकास होगा। गाड़ी लेने का प्लान था, घर में कुछ कार्य कराना चाह रहे थे, घर के कार्य नहीं पूरे हो रहे थे, तो यहाँ पे गुरु महाराज घर के कार्य भी कराएंगे, माता से मिलन, परिवार से मिलन इत्यादि सारी चीज़ें करेंगे, सुख की अनुभूति कराएंगे। अब यहाँ पे शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः शनि पंचमेश है, कष्टेश है, तो जीवन साथी से थोड़ा सा तकरार होगी, जीवन साथी बेवजह आपको खिंचाई करेगा या परेशान करेगा। वहीं पे पंचमेश होने से पंचम भाव संबंधित चीज़ें पुनः आपको वापस मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह गोचर, यह वक्री होना यहाँ पे पंचमेश का और सप्तमेश का, तो पुरानी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो, पुरानी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, पंचम और सप्तम कनेक्ट हो रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में आप जाना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो एक श्रेष्ठ समय आपके लिए
या बन रहा है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि के लिए गुरु महाराज खष्टेश हैं और पराक्रमेश हैं। तो खष्टेश मतलब ऋण रोग शत्रु मुकदमाबाजी, कोई चीजें बची थी तो गुरु उनको निस्तारित करने के लिए आ रहा है, खत्म करने के लिए आ रहा है। बोलता है नहीं, ऋण रोग शत्रु को कम मत आको, इनको खत्म करो, ऋण रोग शत्रु को कम मत आको, इनको फिनिश करते हुए चलो। तो ये आपको फिनिश कराते हुए गुरु महाराज यहाँ पे जा रहे हैं। अब ऐसे जो गुरु महाराज हैं पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रमेश होने से आपको पराक्रम बढ़िया कराएंगे, जो काम आपके छूट गए थे उन कामों को कराएंगे। कुछ पुराने मित्र आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जिनसे दोस्ती टूट गई थी उनसे पुनः दोस्ती बनेगी। तो गुरु आपकी कुंडली में खष्टेश हैं, अतः खष्टम भाव की चीज़ों को खत्म करने के लिए जाने जाएंगे। शनि आपके वक्री हैं, लेकिन सुख भाव में वक्री हैं, तो सुख की सामग्रियाँ आपको देंगे। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि और गुरु दोनों जो वक्री हैं श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। पंचम का भाव, पंचम भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो पुराने संबंधों को फिर से कनेक्ट करेंगे, प्रेम को कनेक्ट करेंगे। सेकंड हाउस जो होता है निजत्व का होता है, पत्नी और बच्चों का या पति और बच्चों का होता है। तो अगर आपके पति पत्नी में रिश्ते खराब हुए थे, तो यह गुरु आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए आ रहा है, मरम्मत करने के लिए आ रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कपड़े फट गए हैं तो आप जाके सिलाई करा के आ रहे हो, जूते फट गए हैं सिलाई करा के पुनः यूज करने के लिए आप बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही रिश्तों की तुरपाई होगी और आप आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चूंकि धन का स्वामी है, प्रेम का स्वामी है, तो धन मिलेगा प्रेम मिलेगा। और शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद में, तो उत्तर मतलब बाद में, भाद्र मतलब श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो आपको आने वाले टाइम में श्रेष्ठ पद की ओर बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ सम्मान मिलेगा। तो उत्तिष्ट जागृत, उठिए जाग जाइए और कुछ करके दिखाइए। धनु लगन धनु राशि, अच्छा दृष्टि की बात कर लें तो ऐसी दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पे है, उच्च की दृष्टि है, तो उच्च की दृष्टि होने से उच्चता प्राप्त होगी धर्म में, यात्रा में, ज्ञान में। सप्तम दृष्टि लाभ के घर में है, तो लाभ की प्राप्ति होगी, पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सरकार से लाभ। वहीं पे नवम दृष्टि आपके लग्न पे है, तो आपका व्यक्तित्व तो ओजमान होगा, तेजमान होगा, थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा, श्रम तो करना ही पड़ेगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में गुरु महाराज चतुर्थ भाव में हो रहे हैं वक्री, शनि के नक्षत्र में। शनि आपकी कुंडली में पराक्रम के स्वामी है, धन के स्वामी है, तो जितना मेहनत कर सकते हैं उतना धन मिलेगा, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना धन मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हैं, तो इसको पुनः आप वापस जाके आयुर्वेद में जाके होम्योपैथिक में जाके ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। घर के कार्य कुछ हो रहे थे, बीच में रुक गए थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, गाड़ी रुक गई थी, तो यहाँ पे आप गाड़ी लेते हुए नजर आ रहे हैं, घर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो गृह कार्य, वाहन इत्यादि सारी चीजें ये गुरु जो वक्री हो रहे हैं आपको प्रदान करके जाएंगे, दे के जाएंगे। ऐसे गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होने से आयु संबंधित लाभ होगा, आयु का लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। तो देखिए कहीं घड़ा वड़ा मिल जाए, तसला कड़ाहा घड़ा, हालांकि आजकल घड़ा वड़ा तो मिलता नहीं, ये पुरानी बातें हो गई, घड़ा मिलता है तो अगुप्त धन की प्राप्ति हो रही, मतलब फंसा हुआ पैसा आपका वापस आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कर्म में प्रवीणता होगी, पिता से संबंध बेहतर होंगे, सरकार से संबंध अच्छे बनेंगे। नवम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होने से विदेश से संबंध बनेंगे, विदेश के लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, वहां से आप धनार्जन करेंगे। मकर लगन मकर राशि में गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं थर्ड हाउस में, तो कर्म में जो त्रुटि हो गई थी काम को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। कुछ भाई बंधुओं से जो शेष बचा था उससे अवशेष को खत्म करने के लिए वक्री हुए हैं। विदेश की यात्रा अगर आप चाहते हैं तो विदेश की यात्रा भी यहाँ पे आप करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, गुरु आपको विदेश की यात्रा कराएंगे, कोई डाउट नहीं है। धन भी देंगे क्योंकि शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो गुरु आपके कुंडली में कारक नहीं है, फिर भी गुरु की शुभता के लिए गुरु की चीजों का दान आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो गुरु हैं बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं धन के लिए, किसके लिए, धन के लिए। शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि ऐसा गुरु अगर लगन में बैठ जाए तो तीन पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के आदमी जाता है, कितने पीढ़ी, तीन पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के जाता है। अब ऐसे जो गुरु हैं वो आपके कुंडली में दो दो धन भावों के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं, मतलब बैंक में पैसा जमा करेंगे और पुराना पैसा जो आपका बचा हुआ है दोस्तों के पास उसको भी ले आएंगे, तो धन के दो दो मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बढ़िया धनार्जन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंचम दृष्टि कष्टम भाव पर होने से शत्रु दमन में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऋण रोग मतलब कोई मुकदमा चल रहा है
तो उसके समन के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ध्यान ये दीजिएगा कि आपके लग्नेश द्वादश में जाके वक्री हो रहे हैं, तो सेहत पे भी पैसा खर्च करनी पड़ेगी। सेहत थोड़ी सी डामाडोल हो रही है, तो सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से गुप्त चीजों से आपको लाभ होगा, या पुरानी जो गुप्त चीजें थी वो उभर कर सामने आ रही हैं। नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने से सरकार से सहायता मिलेगी, अधिकारियों का प्रेम और स्नेह निश्चित रूप से आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं, अपने ही लग्न में अपने ही राशि में वक्री हो रहे हैं, शनि की राशि में। शनि आपकी कुंडली में व्यास है, शनि के नक्षत्र में, राशि में नहीं, शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि आपके लाभ के स्वामी है, तो लाभ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़े आप व्यात्मक हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना केयर कम करेंगे, लेकिन नौकरी संबंधी कार्यों में लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा आपको, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लाभ देती होगी नहीं, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका अनुकूल हो सकता है ना हो, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्नेह प्रेम की प्राप्ति होगी, संतान संबंधी लाभ होगा, संतान के लिए आप जाना चाहते हैं न्यू बेबी के लिए, तो आप यहाँ पे कंसीव कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि जीवन साथी के घर पे होने से अगर वैवाहिक जीवन में नहीं बंधे हैं तो रिश्ता यहाँ पे आपको लौट के ग्रह आ रहा है, पुराने रिश्तों में से एक रिश्ते को कनेक्ट कर देगा, तो कनेक्ट होने की कोशिश करिए, क्योंकि गुरु कनेक्ट होने के बाद बहुत अच्छा फल देते हैं। नवम दृष्टि आपके धर्म भाव पर भाग्य भाव पर होने से मंगल को आदेश करेंगे कि बहुत समय हो गया मैं शनि के नक्षत्र में चल रहा हूँ और खुद गुरु हूँ, तो तुम्हें लेबर भी दे रहा हूँ, तुम्हें सहायता भी दे रहा हूँ, आप इस बच्चे का भाग्योदय करा दो, तो यहाँ पे गुरु आपका भाग्योदय कराएंगे। गुरु की गुरुता के लिए आप पुकरात धारण कर सकते हैं। तो देखिए आप धनु लगन मीन लगन वाले निसंकोच होकर पुकरात धारण कर सकते हैं, वहीं पे कन्या लगन वाले सफेद पुकरात धारण करें तो बेहतर होगा। वृश्चिक लगन वाले भी पुकरात धारण करने से उनको लाभ होगा। कर्क लगन वाले सोच समझ के पुकरात धारण करें। मेष लगन वाले भी पुकरात धारण कर सकते हैं। शेष लगन वाले गुरु के मंत्रों का जाप करें, पीला कलर का चंदन लगाएं या हल्दी एक चम्मच पानी में डालकर उपयोग करें, आपके लिए श्रेष्ठ लाभ होगा। तो 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक जो गुरु का गोचर है वक्री होना, फिर वक्री में मैं आता हूँ, वक्री मतलब स्लो गति से चलना, और आप जो धीरे धीरे चलते हैं ना तो बहुत कुछ जानते हैं। आप खाना खाइए ना, देखिए जो स्लो है ना, स्लो में ही तो आनंद आता है, धीरे धीरे में आनंद आता है। आप पानी पीजिए धीरे धीरे, आनंद आएगा। खाना खाइए धीरे धीरे, आनंद आएगा। प्रेम करिए धीरे धीरे, आनंद आएगा। तो जो गुरु आपको बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा स्लोली स्लोली चलो, सिखा रहे हैं। शनि और गुरु दोनों स्लोली स्लोली चल रहे हैं, तो जब ब्रह्मांड के बड़े ग्रह स्लोली स्लोली चल रहे हैं तो आपको भी आराम से एक एक कदम फूंक कर चलना चाहिए। चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ध्यान ये भी देना है आपको कि आपके पुनर्वसु पे इसका प्रभाव पड़ेगा, विशाखा पे प्रभाव पड़ेगा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब मिथुन राशि, तुला राशि, मीन राशि, तीन तो ऐसे प्रभावित हुए, धनु के स्वामी हैं तो धनु में प्रभावित हुए, और तीन इनकी दृष्टियां हैं, तीन दृष्टियां हैं। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो कर्क को प्रभावित करेगी, सप्तम दृष्टि कन्या को प्रभावित करेगी और नवम दृष्टि वृश्चिक को प्रभावित करेगी। इतने पे गुरु का प्रभाव होगा। तो अब आपको कहाँ शुभत्व की प्राप्ति होने के लिए आप पुकरात धारण कर सकते हैं, और अगर परेशान हो रहे हैं तो आप उसका दान कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। परमात्मा आपका कल्याण करे। राधे राधे।